हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। बच्चों कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ, मुझे पता है आप सब लोग बहुत स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे, बड़ों का आदर भी कर रहे होंगे और पौष्टिक खाना भी, पौष्टिक भोजन भी अवश्य करते होंगे। तो चलिए आज हम कर रहे हैं तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाई अमित पब्लिकेशन से एक बहुत सुंदर कविता। बच्चों ये कविता बहुत सुंदर है और इससे आपको बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा। संलग्न चित्र द्वारा ये दर्शाया जा रहा है कि सभी प्रातः काल ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका दिन शुभ हो और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त हो। आप ईश्वर से क्या कहकर प्रार्थना करते हैं? ये देखो ये दोनों बच्चे कितने प्यारे बच्चे हैं, ये भी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और आप भी ईश्वर से प्रार्थना करते होंगे, है ना, कि हे ईश्वर हमें सद्बुद्धि देना, हम बड़े होकर कामयाब इंसान बने, एक अच्छे इंसान बने, यही प्रार्थना अवश्य करते होंगे। तो चलिए देखते हैं कविता प्रवेश। ईश्वर को किसी ने नहीं देखा किंतु प्रकृति में हम उन्हें महसूस करते हैं। ये जो नेचर है उसमें हम उन्हें फील करते हैं, महसूस करते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने चांद, तारे, बिजली, बादल, पशु पक्षी, आकाश सभी को बच्चों के खेल खिलौने के रूप में प्रस्तुत किया है। आइए शुरू करते हैं। परमेश्वर के खेल निराले, परमेश्वर के खेल निराले, कितने प्यारे प्यारे हैं। आसमान है उसका छाता जिसमें टके सितारे हैं। बच्चों ये जो उन्होंने जो ये कवि हैं उन्होंने बताया कि भगवान के खेल कितने निराले, उन्होंने कितनी अच्छी चीज बनाई है। ये जो आसमान है, ये जो एक तरीके से एक छाता है और जिसमें जो तारे हैं वो ऐसा लग रहा है कि जैसे आसमान एक छाता है और उसमें जो तारे हैं वो जैसे टके हुए सितारे होते हैं ना, उसमें सितारे टांग देते हैं। आसमान एक टके हुए छाते की तरह, जिसमें सितारे टके हुए वो एक छाते के समान है। घुमा रहा है रात दिनों की फिरकी काली पीली, रात दिन रात होती है तो ऐसे लगता है फिरकी जो होती है ना, फिरकी ऐसे वो रात हो गई फिरकी, और जब दिन हो जाता है तो वो पीली हो जाती है, जिसे सूरज की वजह से पीली हो जाती है। तो रात दिन की जब वो फिरकी की तरह रात दिन चल रहे हैं, धरती उसकी गेंद बनी है और ये जो पृथ्वी है, जो धरती है, वो गेंद गेंद के समान है, कुछ मैली कुछ चमकीली। बिजली की आतिशबाजी है, बादल के फव्वारे हैं। जब लाइट चलती है तो ऐसा लगता है जैसे आतिशबाजी, तो उसने जो बिजली है उनको भगवान ने एक आतिशबाजी का रूप दिया है, उसका उसका नाम दिया है। और बादल जो है, बादल बारिश होती है तो उसको बोला है फव्वारे हैं। परमेश्वर के खेल निराले कितने प्यारे प्यारे हैं। हाथी, घोड़ा, ऊंट, आदमी, चिड़िया या मृगछौने, मृगछौने यानी जो हिरण का बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, मृगछौने, सभी जीव हैं उस ईश्वर के चाबीदार खिलौने हैं। और हम सब लोग जो हैं, हाथी, घोड़ा, ऊंट, मृगछौने, ये जो है चिड़िया, जो है ये सब है, हम उस ईश्वर के हम जो है प्रतिमा है, उसी ने हमें बनाया है। और चाबीदार यानी कि हम वो जो करते कहता है हम वही करते हैं, जैसे चाबीदार खिलौना होता है। चंदा, सूरज, श्वेत, सुनहरे उसके दो गुब्बारे हैं। चंदा और सूरज, चांद और सूरज, उसने जो बोला है कि चंदा और सूरज जो है वो जैसे दो उसके गुब्बारे हैं भगवान जो हमें बनाया है। चंदा यानी कि श्वेत, चांद सफेद होता है ना, और सूरज सुनहरा, सुनहरा होता है, तो वो चंदा और सूरज जो है वो गुब्बारे की तरह है, दो गुब्बारे हैं। आसमान है उसका छाता जिसमें टके सितारे हैं, और आसमान जो है वो उसका छाता है, आसमान छाता है जिसमें सितारे लगे हुए हैं, वो एक छाते के समान है। और बच्चों इतनी अच्छी कविता के जो रचयिता है वह है डॉक्टर मोहन अवस्थी। ये कविता किसने लिखी है? ये कविता लिखी है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। और अब हम करने जा रहे हैं कठिन शब्द। परमेश्वर, मृगछौने, चमकीली, खिलौने, आतिशबाजी, श्वेत, चिड़िया और सुनहरे। और शब्दार्थ कठिन शब्द। मृगछौने यानी हिरण के बच्चे, श्वेत सफेद, टके यानी कि लटके हुए, और मैली, मैली का अर्थ है गंदी। और अब हम चल रहे हैं, हमसे पूछा है सबसे पहले कविता के अनुसार परमेश्वर के खेल कैसे हैं। परमेश्वर के खेल निराले हैं। प्रकृति
प्रस्तुत कविता से आपने क्या सीखा? प्रस्तुत कविता से हमने सीखा जो कवि है वो बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि भगवान ने, प्रभु ने कैसे कैसे बनाया है। पृथ्वी को एक गेंद का रूप दिया है, पृथ्वी एक गेंद के समान है, कहीं से कहीं से मैली है और कहीं से साफ है। और आसमान जो है उसने बताया है कवि ने, आसमान जो है एक टके सितारे के टाइम समय एक छाता है जिसके ऊपर सितारे लगे हुए हैं, और जो रात और दिन है वो है श्वेत, सूरज और चंद्र जो रात और दिन है वो एक गुब्बारे की भांति है, श्वेत और सुनहरे। तो उन्होंने, भगवान ने हर चीज को, प्रकृति की हर चीज को कोई ना कोई नाम दिया है। प्रस्तुत कविता के कवि का नाम क्या है? प्रस्तुत कविता के कवि का नाम है डॉक्टर मोहन अवस्थी। और अब है सही विकल्प पर, हमें हमेशा की तरह सही का चिन्ह लगाना है। जैसे आसमान किसका छाता है? सूरज का, चंदा का, परमेश्वर का या तारों का? आसमान किसका छाता है? आसमान है तारों का छाता। धरती किस रूप में दिखाई गई है? धरती जो है वो एक गेंद के रूप में दिखाई है। चंदा सूरज को किसके रूप में बताया है? चंदा सूरज को जो है वो एक गुब्बारे के रूप में दिखाया है। परमेश्वर के चाबीदार खिलौने कौन है? परमेश्वर के चाबीदार खिलौने सभी जीव है। ठीक है, आसमान किसका छाता है? आसमान जो है तारों का छाता है। धरती किस रूप में दिखाई है? धरती एक गेंद के रूप में दिखाई है। चंदा सूरज को किसके रूप में दिखाया? चंदा सूरज को एक गेंद के रूप में दिखाया है। और परमेश्वर के चाबीदार खिलौने हैं सभी जीव। तो बच्चों, अभी हमने देखा सही विकल्प पर हमने सही का चिन्ह लगाया, और अब हमसे क्या पूछा गया है? अब हमसे पूछा है इन्होंने वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। अब हमें वाक्य पढ़ने होंगे और उसके सामने हमें सही और गलत का। परमेश्वर के खेल बहुत निराले और प्यारे हैं। जी हाँ, परमेश्वर के खेल बहुत निराले और प्यारे हैं। आसमान उनके लिए एक फिरकी के समान है। आसमान उनके लिए फिरकी के समान नहीं, आसमान उनके लिए एक छाते के समान है जिसमें सितारे टंगे हुए हैं, टके हुए हैं। तो ये गलत है। ये गोल पृथ्वी गेंद के समान है। जी हाँ, ये गोल पृथ्वी एक गेंद के समान है। मृग छौना हिरण के बच्चे को कहते हैं। जी हाँ, मृग छौना किसे कहते हैं? हिरण के बच्चे को मृग छौना ही कहा जाता है। सारे जीव जंतु चाबीदार खिलौने जैसे हैं। जी हाँ, हम सारे जीव जंतु एक खिलौने की ही तरह हैं। तो हमने अभी क्या किया? हमने सही के सामने सही और गलत के सामने हमने गलत निशान लगाया। और अब हम चल रहे हैं आगे। हमसे क्या पूछा है? किसके समान, किसको किसके समान बताया है? तो इसमें हमें देखना है किसको किसके समान बताया है। आसमान, आसमान जो है वो एक तारे टका छाटा। जी हाँ, सबसे पहले उसके बाद हम कर देते हैं बिजली, बिजली आतिशबाजी, बादल, बादल फव्वारे, चांद सूरज जो है, चांद सूरज श्वेत सुनहरे गुब्बारे, और धरती जो है, धरती कुछ मैली कुछ चमकीली, और रात दिन हमारी हो गए काली पीली फिरकी। जी हाँ, हमने इसके सामने हमने बता दिया, हमने वर्गों के मेल कर दिया। सबसे पहले आसमान, आसमान है तारे टका छाता, रात दिन हो गई काली पीली फिरकी। काली और पीली फिरकी, काली पीली फिरकी मतलब जब रात हो जाती है तो फिरकी घूमती है ना ऐसे करके, जो फिरकी घूमती है, अगर घूमती जब रात हो जाती है तो काली हो जाती है, और जब फिरकी इधर की तरफ दिन हो जाता है तो पीली हो जाती है। पीली मतलब सूरज निकलता है तो दिन थोड़ा पीला पीला सा लगता है जब सूर्य की किरणें फैलती हैं, तो काली पीली फिरकी से उन्होंने किया है उसको। धरती कुछ मैली कुछ चमकीली, और बिजली जब बिजली आ जब पूरी लाइट जलती है, जब पूरा संसार हमारा रोशन हो जाता है लाइट से, तो एक आतिशबाजी की तरह, तो वो हुई आतिशबाजी। बादल यानी फव्वारे, और चांद सूरज श्वेत और सुनहरे गुब्बारे की तरह उन्होंने उसे उपनाम दिया है। तो हमने क्या किया? हमने अभी ये किया, और अब हम देखते हैं कि हमसे क्या बोला है। सही विकल्प चुनकर बताओ कि कवि ने इस कविता में क्या किया है।
खिलौनों के बारे में बताया है? जी नहीं, भगवान की प्रशंसा की है। जी हाँ, भगवान की प्रशंसा की है, भगवान के निराले खेलों के बारे में बताया। जी हाँ, भगवान के खेल निराले खेलों के बारे में बताया। भगवान से खिलौने देने की प्रार्थना की? जी नहीं, प्रार्थना नहीं की है, भगवान के निराले खेलों के बारे में बताया है कवि ने। भगवान इस कविता में भगवान के निराले खेलों के बारे में बताया है। और अब हम चलते हैं हमसे कुछ प्रश्नों के उत्तर। कविता का मुख्य विषय क्या है? कविता का मुख्य विषय है कि कवि ने हमारे प्रकृति में, हमारे संसार में कितने जो ये चीजें हैं, ये जो प्रकृति है, इसके बारे में बताया है कि भगवान ने कितना सुंदर संसार बनाया है। ये आतिशबाजी जैसा जो है, जो रात होती है तो जो पूरा संसार आसमान ऐसा लगता है जैसे एक छाता है, उसने हमें पूरा ढका हुआ है। और उसके ऊपर जो तारे हैं उन्हें सितारों का उपनाम दिया, वो सितारे की भांति लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे छाते ने तारे सितारे टांग दिए हैं। और जैसे कि जो हमारी धरती है वो जो है वो एक गेंद के समान बताई है, एक गेंद के समान की कहीं से चमकीली है, कहीं से मैली है, तो कहीं से चमकीली है। और इसी तरह उसने जो बिजली रोशन जो रोशनी है, जो लाइट जलती है, उसको आतिशबाजी के रूप में दिखाया है। तो भगवान ने इन सब चीजों को बहुत ही सुंदर ढंग से कवि ने बताया कि भगवान ने कितनी अच्छी चीजें दी हैं। और हम सब लोग जो है हम चाबीदार भगवान के खिलौने। कविता में आसमान की तुलना किससे की है? कविता में आसमान की तुलना टाके जो सितारे टके हुए एक छाते से की है। धरती को किस रूप में दिखाया गया और इसके रंग कैसे वर्णित किया? धरती को उसने कुछ मैली और कुछ चमकीली गेंद के रूप में दिखाया है। कविता में बिजली और बादल को किस रूप में प्रस्तुत किया? कविता में बिजली को आतिशबाजी के रूप में और बादल को फव्वारे के रूप में प्रस्तुत किया है। कविता में कौन कौन से जीवों का उल्लेख किया है और उन्हें क्या कहा गया है? कविता में हाथी, घोड़ा, ऊंट, चिड़िया, मृगछौने और हम आदमी, हम इंसान, हम लोगों का उल्लेख किया गया है। और हम लोगों को कहा गया है कि हम सब लोग एक चाबीदार खिलौने हैं जिसे भगवान ने हमारे अंदर चाबी भरी। तो बच्चों, इसके साथ ये बहुत सुंदर कविता यहीं पे समाप्त होती है। और मैं आशा करती हूँ ये कविता आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको बहुत आनंद आया होगा। इसके साथ हमारा पाठ समाप्त होता है। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं। तब तक के लिए आभार।